नमस्कार, मैं हूं दीपिका पात्रे और आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से आ रही है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मधुबनी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रयागपुर रन के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, यह चुनाव देश को, आरक्षण को और गरीब गुरुओं के न्याय के लिए व लालू जी को न्याय दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है। जहां लालू जी को जेल में रखा गया है, वहां बीजेपी की सरकार है। इस समय लालू जी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, फिर भी अन्य प्रकार की यातना दी जाती है। जिस कमरे में लालू जी को रखा गया है, उस कमरे में कोई भी सुविधा नहीं है। मैं अपने पिता से मिलने गया तो मुझे मिलने नहीं दिया। क्या एक बेटे को अपने बीमार बाप से मिलने का हक भी नहीं है? उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। चूंकि लालू जी गरीब गुरुओं और बेसहारा का सहारा है। और ये जो चुनाव है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष को, किसी पार्टी को या गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं। ये जो चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को, आरक्षण को और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। इसलिए आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हम अपने पिता से मिलने गए थे रांची। उनको तो साजिश के तहत फंसाया, जेल में बंद किया गया। बीमार है तो अस्पताल में है, वहां पर कुछ दिनों पहले आप तो हमारे पिता ने हमारी हालात को देखते हुए बोला, बेटा निराश मत होना। हम निराश थे। हमारे पिता ने बोला, बेटा निराश मत होना, जब भी निराश हो गए तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम मालिकों के बीच आए, आप लोगों के बीच आए। इतना ही कहेंगे कि आप लोग न्याय जरूर कीजिएगा और जिन लोगों ने जुगलेबाजी की है उनको सबक सिखाने का काम किया। एक चीज का और ध्यान रखना भाई, ये भाजपा वाले लोग के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई काम नहीं किया। मुद्दों की बात करोगे तो ये भागने लगेंगे। फिर इनका एक ही एजेंडा आएगा, वो है हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, भाई भाई को लड़ाओ। इससे सावधान रहना है। आप लोग सब लोग हिफाजत कीजिएगा ना, दंगाइयों को सबक सिखाओगे ना, एकदम मुस्तैद रहना। और इनके खत्म कर रहे हो तो इसलिए आप लोग से एक और बात कहेंगे कि बचपन में हमें को मूवी देखे थे चाची 420, अब हम चाचा 420 देख रहे हैं। तो पूरा शराबबंदी क्या की, तो होम डिलीवरी है करा दी। 200 रुपए का बटर 1500 रुपए में और 1300 रुपया दीपी जी के खाता में। तो इसलिए हम नारा लगाएंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक है? और दोनों हाथ उठा करके भाजपा बनाओ और थोड़ा जोर से गूंज लो, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ। आप हम बोलेंगे, देखो बेरोजगार लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ करने का काम करेंगे और जब तक आरक्षण नहीं बढ़ेगा तब तक दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी भाइयों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए नारा लगाना है। हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप बोलेंगे आरक्षण बढ़ाओ, ठीक है? बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। ऑपरेशन हुआ, किडनी में 60% इन्फेक्शन हुआ, किडनी में पथरी, ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और भी तरह तरह की बीमारियां से वो ग्रसित है। हमको अपने पिता से मिले हुए लगभग 1.5 महीना हो गया, हम नहीं मिले। काम बहुत था, जिम्मेदारी बहुत थी, वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी जो है बढ़ चुकी है। और ये करो और मरो की लड़ाई है सामने, तो हम सोचे कि अपने पिता के पास जाकर के हम उनसे आशीर्वाद लें और उनकी हाल चाल
सेहत भी देख लें क्योंकि वो सेहत में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। हम कह रहे थे पार्टी का प्रचार करने चतरा और पलामू, झारखंड में दो जगह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चतरा और पलामू, तो वहां हमको मौका मिला कि अच्छा है, ऐसे तो मिल नहीं पा रहा क्योंकि चुनाव का समय है, कब मिलेगा मौका, नहीं जा पाएंगे रांची, इस बार जाकर भी मिल लेंगे। तो वही चतरा पलामू जब गए झारखंड तो हम वहीं से सोचे कि रांची जाकर के उनका हाल चाल लेकर के आशीर्वाद लेकर के अपने काम में लग जाए, लेकिन हमको वहां उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब हम आप लोग यहाँ सब लोग हैं, जनता है, सब लोग हैं, आप लोग मालिक हो, और जनता की अदालत से बड़ा और तो कोई अदालत होता नहीं है। तो हम आपसे पूछने आए हैं कि एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मिलने देना चाहिए। लेकिन हमको नहीं मिलने दिया गया, चलो ठीक है, लेकिन हम लोग कानून का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, कोई शोर मचाए तो नहीं है, पॉलिटिकलाइज करना होता था धरना प्रदर्शन ये भीड़ भाड़ ला के करते, लेकिन हम सही मायने में राजनीतिक रूप से फायदे के लिए उनसे मिलने नहीं गए थे, बल्कि एक पिता को देखने गए थे ताकि वो स्वस्थ है कि नहीं है। चलो एक बीमार पिता को नहीं मिल, बेटे से नहीं मिलने दिया, तो हम सोचे कि चलो इनसे भी मुलाकात हुई तो जो डॉक्टर जो उस अस्पताल के हैं उनसे हम फोन पे हम बात करें। जब डॉक्टर से हमारी बात हुई चलते, तो आप लोग जानिए बोलते थे संघ मुक्त भारत बनाएंगे, अब संघ युक्त भारत बना रहे हैं। इनको कितना गाली दिया मोदी जी ने, डीएनए क्या, अब डीएनए मैच हो गया ना, अभी भी मोदी जी को डाउट है, क्लियर नहीं है, उनकी मजबूरी है क्योंकि भाजपा वाले लोग जानते हैं कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो मजबूरी है। तो आप समझिए नीतीश जी को जब डीएनए का गाली जब पड़ रहा था तो नीतीश जी क्या कहते थे, ये डीएनए का गाली नीतीश जी को नहीं बल्कि पूरे बिहार को। जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार को गाली दिया पलटू चाचा, आपको तो नहीं ना दिया था, ये तो पूरे बिहार को दिया था, तो आपने उस व्यक्ति के साथ समझौता क्यों किया? कुर्सी के लिए और सृजन से बचने के लिए। सृजन घोटाले का ना डर था, मतलब भाजपा में चले जाओगे तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, आप भाजपा में नहीं जाओगे तो आपके फर्जी मुकदमा जेल भेजो यही सब होगा, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। तो नीतीश जी महागठबंधन से इसलिए छोड़ करके गए क्योंकि उनको लालच कुर्सी का और डरे हुए थे सृजन घोटाले से। अब हमारे साथ रहते तो देखे कि भाई लालू जी देखो बिना कोई गलती किए हुए उनपे मुकदमा हो गया, जेल हो गया, और यहाँ तो नीतीश कुमार पूरा खुलेआम भ्रष्टाचार किए हैं, तो उनके साथ क्या हुआ? तो आप समझिए जो बेईमान होता है वही ना डरता है, और जो डरपोक होता है वही ना शरण में जाता है। तो नीतीश कुमार जी के शरण में गए, मोदी जी के शरण में गए ना नीतीश जी, लेकिन लालू जी हम लोग डर नहीं रहे क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। तेजस्वी तो बहाना था क्योंकि बीजेपी में जाना था, तो हमको भ्रष्टाचारी जानबूझ करके बनाया गया कहने के लिए ताकि जनता को यह कह सके कि महागठबंधन इसके थोड़ा क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हम पे आरोप क्या 18 महीने डिप्टी सीएम रहे, 33 डिपार्टमेंट था उसका नहीं है। आरोप क्या है कि 13 साल का जब तेजस्वी 13 साल का था जब मूंछ नहीं था तो वो रेलवे में बैठ के घोटाला करता। अरे अब आप बताओ यहाँ लड़का सब होगा उन लोग को क्या लेना देना 13 साल का तो मूंछ नहीं था भ्रष्टाचार करेगा भाई। तो उसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहने हैं, हम जनता की अदालत में आए हैं और जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होती है ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है और फैसला आप लोगों को करना है। आप लोग सब लोग
जाने कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा। बिहार को धोखा दिया कि नहीं दिया, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। जहां तक रोजगार की बात है, मेरे जहन में एक चीज आया, याद आया कि भारत में सरकार में लगभग 22 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां रिक्त है, उसका अभी भी भरा नहीं गया। और ये साजिश चल रही है कि बीजेपी या मोदी दोबारा आ जाएंगे तो सरकारी नौकरियों को खत्म करके प्राइवेट के हाथों में सारा दे देंगे, क्योंकि ये लोग पूंजीपतियों की सरकार, गरीब का नहीं है। तो जितने नौजवान भाई सुन लो, ये दोबारा आ गए तो सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी, तो इस पे आप लोग ध्यान रखिए। तो ज्यादा समय हमारे पास नहीं, आगे भी हम लोगों को जाना है, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा अपने भाई बेटे पे, है ना? हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। लालू जी का न्याय दिलाइए ना। देखिए लालू जी को तभी। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।